Assalamu alaikum, dear students. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin wa barik wa sallim alaikum. Tamam students ko apne channel study with Nasrullah Khan mein khush aamdeed kehta hoon. Ek martaba phir final account ki questions hamare jari the aur us silsile mein aaj question number 11 Sohail Afzal ki book se hum study karenge. So let's start our video. Question number 11 jo hai ke Luqman of Bard company has authorized capital 5 lakhs जो कि डिवाइड किया गया है 50,000 शेयर्स हैं 10 रुपीस का एक है और इसमें 20,000 शेयर्स जो हैं ये इशूड कैपिटल है ये ध्यान में रखिएगा यहाँ बच्चे अक्सर पजल हो जाते हैं कि ये जो 50,000 जो हमारे पास शेयर्स हैं जो कि ऑथराइज कैपिटल के थे इसमें से 20,000 शेयर्स हमारे इशूड कैपिटल के और 10 रुपए का एक एड मीन्स तकरीबन कोई 2 लाख रुपए बाकी डिटेल हमें स्टॉक दिया हुआ है रिटर्न दी हुई है रिटर्न में ख्याल रखिएगा कि जो चूंकि परचेज डेबिट होती है तो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होंगे और सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होंगे इसी तरह सेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है डेबिट है 9% बैंक लोन है ये आपकी लाइबिलिटी और चूंकि परसेंटेज अवेलेबल है तो ये इंटरेस्ट होगा ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसिस हैं प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टर्स की रेमोनरेशन दी हुई है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है फिर फ्री होल्ड प्रेमिसेस हैं फर्नीचर एसेट है कैश इन हैंड एसेट है प्रॉफिट एंड लॉस आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है डेटर्स हमारे एसेट है शेयर कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है फिर परचेजेस एंड सेल्स हमें गिवन है परचेज आपकी डेबिट वाली आइटम है सेल्स आपकी क्रेडिट वाली आइटम है इसी तरीके से क्रेडिटर्स अवेलेबल है लाइबिलिटी है कैरेज आपकी आपकी अवेलेबल है ये ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है हाँ अगर इस कैरेज के साथ आउट लिखा हो तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्लियरिंग चार्जेस हमें अवेलेबल है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऑडिट फी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपका डेफर्ड कॉस्ट है प्लांट एंड मशीनरी कैश है बैंक और एडवांस इनकम टैक्स याद रखिएगा ये जो लफ्ज एडवांस है इस एडवांस को प्रीपेड के नाम से भी जाना जाता है तो जब भी एडवांस कोई आएगा सवाल के अंदर तो इसको प्रीपेड ही जाना जाएगा और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाएगा जी हमें एडजस्टमेंट्स कुछ अवेलेबल है 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक आपका इतना है आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं और ऑफिस सैलरीज हैं इसी तरह तो ये ऐड होती हैं और लाइबिलिटी में जाती हैं फिर डेप्रिसिएशन हमें अवेलेबल है 15% फर्नीचर पे और 10% आपके दूसरी आइटम के ऊपर इसी तरीके से हमें 10% फर्नीचर 15% मशीनरी मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 25,000 है ऊपर हम सवाल में देख लेते हैं क्या अवेलेबल है फिर डायरेक्टर्स जो रिकमेंड कर रहा है 30% नेट प्रॉफिट पे इनकम टैक्स है अप्रोप्रिएशन इसी तरह डिविडेंड भी अप्रोप्रिएशन में जाएगा और दोनों करंट लाइबिलिटीज में भी जाएंगे और ये ट्रांसफर जनरल रिजर्व भी इसी तरीके से अप्रोप्रिएशन और करंट लाइबिलिटीज में जाएंगे तो हम शुरू करते हैं जी अपना किस तरीके से इसका सोल्यूशन है तो आप ये देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 लुकमान ऑटो पार्ट्स कंपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2010 हमें ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल था परचेजेस अवेलेबल थी 3,59,105 बस ये ख्याल रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया कि जो इसका रिटर्न है कि रिटर्न्स हमारे पास जो क्रेडिट साइड वाली हैं ये परचेजेस रिटर्न है तो ये आपने देखा लेस किया इसी तरीके से सेल्स हमें अवेलेबल थी और जो डेबिट पे हमारी रिटर्न्स आ रही हैं 6,340 ये वाली ये आपकी सेल्स रिटर्न है तो ये आपने लेस किया क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में अवेलेबल था सेंडरी मैनुफैक्चरिंग एक्सपेंसिस हैं चूंकि इसकी आउटस्टैंडिंग अवेलेबल है आपको तो जितनी भी अमाउंट की आउटस्टैंडिंग अवेलेबल होती है तो आप ये जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट होता है ये हमें अवेलेबल है तो इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि एक तो आप इसको एडिट करते हैं और दूसरा आप इसको फिर लेके जाते हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं क्योंकि हमें क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल है और अगर हम नीचे एडजस्टमेंट में देखें तो हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस अवेलेबल हैं तो अब हम चूंकि ऊपर तो वेजेस कुछ मिल ही नहीं रही तो ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज होते हैं बेसिकली इसी में वो वेजेस एड कर दिए जाते हैं ये भी याद रखिएगा इसी तरह कैरेज अवेलेबल था और क्लियरिंग चार्जेस जो थे हमने यहाँ लिखे और हमने आपकी डेबिट साइड में से सारी क्रेडिट साइड सॉरी क्रेडिट में से सारी डेबिट साइड माइनस की तो 1,59,310 रुपीस व्हिच इज योर ग्रॉस प्रॉफिट और दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें सबसे पहले ऑफिस सैलरीज एक्सपेंसिस गिवन है जो कि इसकी आउटस्टैंडिंग थी हमने इसको ऐड किया ये दोबारा याद रहे कि ये जो आउटस्टैंडिंग अवेलेबल है और ये जो ऊपर हमें मैन्युफैक्चरिंग जो आउटस्टैंडिंग वेजेस अवेलेबल है इनके दो ट्रीटमेंट होते हैं ये लाइबिलिटी साइड पे भी जाएंगे डायरेक्टर्स की रेमोनरेशन आई ऑडिट फी आई इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो मैंने अभी सवाल में भी आपको बताया था कि ये जो बैंक लोन हमें चूंकि परसेंटेज के साथ अवेलेबल है दिस इज 9% बैंक लोन और इसकी अमाउंट है 34,500 तो आप इसका 9% सबसे पहले लें और ये मैंने सॉल्व किया हुआ है
आपने जो लिया 25,000 का 9% तो इसकी अमाउंट बनती है 2250। ये टैक्सेबल गेन के ये यहाँ पे आके एक्सपेंसेस को डेबिट कर दी जाएगी। अब हम सवाल में ये देखते हैं कि क्या कोई इंटरेस्ट पे तो नहीं किया गया, तो आप जरा गौर करें यहाँ पे ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये क्वेश्चन में 1125 पे हुआ हुआ है। हम इसके दो हिस्से बनाएंगे, हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन और इसमें से इसको माइनस करके जो रह गया वो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, और ये जो आउटस्टैंडिंग है ये करंट लाइबिलिटीज में भी जाएगा। आगे चलें जी, हमें डेप्रिसिएशन अवेलेबल है प्लांट एंड मशीनरी पे 15% जो हमने लिखी, इसी तरह फर्नीचर पे 10% अवेलेबल थी वो हमने लिखी। आपके तमाम क्रेडिट साइड में से आपने ये डेबिट साइड के एक्सपेंसेस को लेस किया, 84,330 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुकम्मल हो चुका। अब हम मूव करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को ऐड करता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर मेरे चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोज उनको भी मिलती रहे। लो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट जो है, ये अक्सर मैं अपनी वीडियोज में बताता चलूँ कि हमें क्वेश्चन में जो अवेलेबल होता है ये जो लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 19320, दिस इज लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो ये लास्ट ईयर प्रॉफिट हमने यहाँ लिखा, प्रॉफिट एंड जो करंट ईयर है बेसिकली ये वो है जो नेट प्रॉफिट अभी हमने निकाला, ये वाला स्टूडेंट्स, ये नेट प्रॉफिट ये हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये हमारे पास एडजस्टमेंट की सबसे पहली आइटम है अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 30%, और ये हमेशा नेट प्रॉफिट पे लिया जाता है। तो जो नेट प्रॉफिट है उसका 30% लिया, ये अमाउंट आ गया। डिविडेंड जो है आप जानते हैं कि ये हमेशा शेयर कैपिटल पे लिया जाता है, और ये इसने कहा 15% है, तो आपका जो भी शेयर कैपिटल ऊपर सवाल में गिवन है 2,00,000 रुपए जो मैंने स्टार्ट वीडियो पे बताया, आपने इसका 15% लिया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हमें ये तीसरी एडजस्टमेंट गिवन है यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये जहन में रखिए कि जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम्स हैं ये चूंकि एडजस्टमेंट की हैं, सेकंड इफेक्ट के तौर पर ये तीनों जो हैं करंट लाइबिलिटीज में भी जाएंगी। क्रेडिट साइड से डेबिट सारी आइटम्स को लेस किया तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया जो कि हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे 38,351। जी स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में आते वक्त हम ये सबसे पहले प्रोफार्मा है रुहमान ऑटो पार्ट्स कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड, तो सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, अगर ये ना भी हो तो हेडिंग देना जरूरी है एज अ नॉमिनल, ये हम लिखेंगे 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक है, 5 लाख अमाउंट, और क्वेश्चन में अवेलेबल था इशूड कैपिटल 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, ये मैं आपको दोबारा यहाँ बता दूं, ये हमें अवेलेबल है कि 50,000 शेयर्स ये हैं और 20,000 शेयर्स जो हैं हमारे पास पूरी पेड अप कैपिटल के हैं और ये 10 रुपीज का ईच है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा शेयर कैपिटल। इसके बाद रिजर्व के अंदर कोई और खास रिजर्व नहीं थे, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट से बैलेंस निकाला ये वो बैलेंस आ गया। 9% बैंक लोन डिवेंचर एंड पीटीसी के हेड में आ गया, आप इसको डिवेंचर ये का हेड दे दें या इसको बैंक लोन का हेड भी दे सकते हैं। और इसके बाद करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स अवेलेबल है, जितने भी आउटस्टैंडिंग थी लाइक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस, ये सब यहाँ आ गए। इसी तरीके से अप्रोप्रिएशन के सारी आइटम, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का बैलेंस, डिविडेंड और ट्रांसफर रिजर्व, ये सारे यहाँ पे आ गए। अब हम स्टूडेंट्स अपना मूव करते हैं एसेट साइड की तरफ। तो एसेट साइड में सबसे पहला फिक्स्ड एसेट है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी वैल्यू इनर में लिखी और जो उसकी डेप्रिसिएशन है हमने उसमें से लेस की, तो ये फाइनल वैल्यू आगे क्रेडिट हुई। इसी तरह फर्नीचर, फर्नीचर में से उसकी डेप्रिसिएशन लेस हुई। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ये आपका फिक्स्ड एसेट है, ये हमने यहाँ लिखा। इसके बाद अगला हेड बनाया जो कि है डेफर्ड कॉस्ट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस, जो सवाल में गिवन है ये वाहिद एक्सपेंसिस जो एसेट होते हैं और ये हमने लिखे। फिर हमारा हेड आया जी करंट एसेट्स का, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और एडवांस इनकम टैक्स हमें अवेलेबल था, तो ये सारा स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिख के और इस बैलेंस शीट को हमने टोटल किया। डेबिट और क्रेडिट साइड यानी कि एसेट और लाइबिलिटी साइड हमारी बिल्कुल इक्वल हो जाती है और ये हमारा सवाल बिल्कुल टैली हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास रही। एक चीज मैं छोटी सी यहाँ पे मजीद आपको अर्ज कर दूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, मेक मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इतना, कि मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है 25,000 बढ़ गई है, और हम अपने सवाल में देखें तो हमें जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू दी हुई है वो 24,000 है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हम अपनी कम वाली वैल्यू जो है उसको लिखते हैं मार्केट वैल्यू से, बैलेंस शीट में एंट्री नहीं करते, तो लिहाजा हमने इन्वेस्टमेंट अपनी 24,000 से लिखी। ये स्टूडेंट हमारी बैलेंस शीट इक्वल हुई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।
कोशिश करता हूँ कि आसान तरीके से ट्रिक्स के साथ आपको मैं सिखाऊं, ताकि और इसकी पूरी लॉजिक के साथ आपको मैं ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूं, ताकि आप मजीद अगले क्वेश्चन खुद भी परफॉर्म कर सकें। अगर कुछ भी क्यूरीज हो इन सवालों के लिए तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो स्टडी विद नसरुल्लाह खान मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। अगली वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।